को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। पूरे दंपति जी को जिन्होंने इस दुनिया में, इस देश में शिक्षा का आलोक जगाया। सही मायने में अगर देश में शिक्षा की देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले जी है, जिनको मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ तमाम महापुरुषों को जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पित किया। सम्मानित मंच डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति सेवानगर गाजियाबाद के समस्त पदाधिकारी, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक बहुजन जागरूकता मिशन के माध्यम से इस गाजियाबाद क्षेत्र में नहीं पूरे NCR में, देश में एक नई क्रांति की एक ज्योति जलाई। वास्तव में बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार अभी आपके सामने एक दो बच्चियों ने नाटिका के माध्यम से एक अंधविश्वास को दिखाया कि अंधविश्वास हमारे बीच किस प्रकार हमें दीमक की तरह कमजोर कर रहा है, हमें खा रहा है, एक मानवता को खत्म कर रहा है। उस दीमक को खत्म करने के लिए हमें शिक्षा का विशेष रूप से, चाहे हम अपने घर में किसी और सुविधा में कठिनाई बरत लें, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर है। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, फूले दंपति जी का जो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, आज वास्तव में देश में जो एक शिक्षा की देवी हैं, उनको एक सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इस पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि फूले दंपति जी ने वर्षों पूर्व सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वो इस देश में ऐसा समाज चाहते थे जो सत्य पर आधारित हो, सत्य का प्रतीक हो। चाहे हम थोड़ा करें लेकिन जितना करें उतना ही कहें। और यदि सत्य पर चलेंगे तो सफलता हमारे नजदीक होगी, कष्ट में नहीं होगी। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे कोने में जो फूले वाला है, वो कितने लोग देख गए हैं? सम्मानित मंच, एक ही है हमारे, साधुवाद बोले के लिए बहुत बहुत साधुवाद। फूले वाला पुणे में, पुणे में जो फूले वाला बना हुआ है। साथियों, मैं पिछले साल वहां गया था और मैंने भी जाके वहां देखा कि जो फूले वाला बना हुआ है, ज्योतिबा फूले ने एक संकल्प लिया था कि मेरी मृत्यु भी अगर हो जाए तो किसी ब्राह्मण की मुझ पर परछाई ना पड़ जाए। बल हमारे एक आदर्श है, वो सत्य के प्रतीक है। हम जितना करें सत्य के अनुसार करें। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं इसको बहुत बधाई दूंगा। साथ में मात्र शक्ति से निवेदन करूंगा कि मैं बहुत देख रहा हूं यहां पे बहुत काले पीले धागे हाथ में बने हुए हैं। देखिए, अगर आप दंपत्ति फूले को मानते हैं तो ये व्यवस्था को छोड़नी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, अगर मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं और दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूं और चीनी रोज सुबह शाम कर रहा हूं तो मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं 20 साल जीऊंगा तो 10 साल नहीं मर जाऊंगा। यही व्यवस्था हमारे समाज में है। मैं अंत में मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि वो
पूरे दंपत्ति को अपनाएं, ईमानदारी से अपनाएं, निश्चित सफलता उनके साथ होगी। उस भय को निकाल दें, उस भय में कुछ नहीं रखा। अभी एक बच्ची ने नाडिया के माध्यम से उस भय को निकाला है। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों के आंसू में आंसू आ रहे थे, ये कमजोरी के आंसू है, ये आंसू नहीं चाहिए हमें। अगर आप आंसू निकालोगे तो घर में रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे। इस आंसू को जगह शिक्षा का एक जुनून पैदा करिए, तो इस देश को नई क्रांति देगा। पूरे दंपति कैसे चालू थे देश को, बाबा साहब अम्बेडकर कैसे चालू थे देश को, उस देश को, इस देश को ऐसा ही बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो तभी बनेगा जब हम उनके रास्ते में चलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएंगे। हम अपने व्यवहार में उनकी बताई हुई बातों को व्यवहारिकता में लाएंगे, तभी हम इस देश को नई क्रांति दे सकते हैं। वरना तो यही होगा कि हम इलाज अच्छे डॉक्टर से ले रहे हैं, चीनी सुबह खा रहे हैं, हम बुद्ध में नहीं बना पाएंगे इस देश को। मैं यहाँ की आयोजन कमेटी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के समस्त जितने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेवा समिति है, वो सब बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया और सभी को बहुत बहुत मंगलमय। सभी के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।